कैसे आप लोग? स्वागत है आपका अनअकैडमी पे। प्लीज कंफर्म वेदर वी आर लाइव और नॉट एंड वेदर द ऑडियो एंड द वीडियो इज फाइन और नॉट। हाय निकी, गुड इवनिंग। वेंकट, जस्ट वन सेकेंड। आकाश, गुड इवनिंग। शीतल, गुड इवनिंग। बाबू, एक बार कंफर्म कीजिए वेदर द ऑडियो एंड द वीडियो इज फाइन और नॉट। हां जी बाबू, एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए। ओके, ग्रेट ग्रेट, आई बिलीव इट्स फाइन नाउ। बहुत बढ़िया, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हुए हैं, क्या आप उसे तमीज से रिवाइज कर रहे हैं? सी, मैं फिर बता रहा हूं, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बिना रिवीजन बाबू ईआईएसएसएम तो पक्का नहीं हो रहा, तो आपको बार बार रिवाइज करना चाहिए। दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। अब हमेशा की तरह पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन एंड देन विल स्टार्ट। सुबह जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं, माय नेम इज किशन कुमार, ऑल इंडिया रैंक होल्डर हूं मैं। सारे सब्जेक्ट में एग्जम्पशन है इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जो भी लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं वो टेलीग्राम पे आ जाती है, मेक श्योर आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। प्लस अभी एक मेगा रिवीजन फ्री टेस्ट सीरीज चल रहा है ग्रुप टू के लिए। अगर आप देखेंगे कल से मार्च 30 से एडवांस अकाउंट्स, 14 में ऑडिट, 15 में ईआईएसएसएम और 12 को आपका एफएमई को, यानी आज। अब ये कैसे होगा? 20 एमसीक्यूज होंगे, 40 मिनट्स होगा और आप आराम से ₹1000 का अमेजॉन वाउचर भी जीत सकते हैं। प्लस अब भी एक मस्त काम हुआ है, मैंने आपको कल पढ़ाया था, याद कीजिए कि आजकल ई कॉमर्स में भी आपको ऑफलाइन स्टोर खोले जा रहे हैं। सेम जो हमने आपको पढ़ाया उसका लाइव इलस्ट्रेशन ही है। अनअकैडमी अपना खुद का स्टोर ओपन कर रहा है मार्च 13 को दिल्ली में, पूसा रोड ओल्ड राजेंद्र नगर के पास, नियर मेट्रो पिलर नंबर 121। अब वहां पे पहले रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और आराम से आप वहां पे विजिट कर सकते हैं टू गिव गेट अ फील। वहां पे मर्चेंडाइज, जो भी लेक्चर्स हो रहे होंगे वो, प्लस अनअकैडमी बहुत प्रोवाइड करता है फ्री में मॉडल, जहां पे फ्री में कई सारे कंटेंट है जैसे ये वाला। साथ ही साथ जो मोर प्रीमियम कंटेंट है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड, स्ट्रक्चर्ड, अनलिमिटेड एक्सेस, वो सब होता है प्लस पे। इसी का बड़ा भाई आइकॉनिक, जहां पे प्लस के सारे फीचर्स इन एडिशन वन टू वन मेंटोरशिप और प्रिंटेड बुक्स घर पे डिलीवर होती है। माइंड यू, इवैल्यूएटेड मॉक टेस्ट सीरीज दोनों पे फ्री है। आपको बाबू सी किशन का कोड यूज करना है और आप डिस्काउंट ले सकते हैं। 6 मंथ का बाबू 14,000 में, 12 मंथ का 18 और 24 मंथ का 24,000 में। अगर मैं आइकॉनिक की बात करूं, 6 मंथ का 27, 12 मंथ का 34 और 24 मंथ का 55, राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपको आर्किटेक्चर वगैरह करा दिया था, आज हम कर रहे हैं वर्क फ्लो ऑफ ई कॉमर्स। सुनिए, एक बड़ा कॉमन सा पॉइंट है, अगर आपको कोई भी सामान खरीदना है तो कैसे करते हो? सर, हम अमेजॉन पे जाते हैं, वहां पे लॉगिन करते हैं। माइंड यू, विदाउट लॉगिन आपको एक्सेस नहीं मिलता है। तो आप पहले उनके वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे लॉगिन करोगे, जो भी प्रोडक्ट है वो आप सिलेक्ट करते हो, फिर ऑर्डर प्लेस करते हो। ऑर्डर प्लेस के बाद आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी दिया तब तो अलग बात है, वरना पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट करते हो, राइट। तो कैसे होता है? आप कस्टमर हो, आपने ऑनलाइन सबमिट किया, कैसे? पहले लॉगिन, सेलेक्ट अपना जो भी प्रोडक्ट है सर्विस है, एंड देन प्लेस द ऑर्डर। फिर आप पे करते हो, नॉट नेसेसरी क्रेडिट कार्ड, इट कैन बी एनी मोड, इट कैन बी एनी मोड। अगर अगर एक तो हो गया सीओडी और दूसरा हो गया अदर्स ऑनलाइन पेमेंट, यहां पर आपको पेमेंट गेटवे का पॉइंट आ जाता है। अब ऑर्डर बाबू शिपिंग होती है। नाउ लेट मी टेल यू, एक अमेंडमेंट है, उसको समझिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा बाबू। अमेजॉन ना, अमेजॉन कैसे काम करता है सुन लीजिए। ये कस्टमर है और ये सेलर है, तो ध्यान दीजिएगा बाबू, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओनरशिप सेलर का है,
जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वो भी सेलर का हो सकता है। अगर इससे ये है तो इसको बोलते हैं मार्केट प्लेस मॉडल। माइंड यू, मार्केट प्लेस मॉडल बहुत कॉमन है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो इससे थोड़ा एडवांस है, अमेज़न बोलता है कि भैया सेलर, तुम्हारा ऑर्डर आता है बहुत सारा, पर तुम ठीक से डिलीवरी नहीं कर पाते हो, तो एक काम करो, तुम अपना इन्वेंट्री हमें दे दो। ओके, तो दूसरा तरीका होता है, ओनरशिप तो सेलर का होता है, बट जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है बाबू, ये बड़ा मस्त पॉइंट है, ये अमेज़न का हो जाता है। आप सबने ये देखा है, अगर आप कभी भी अमेज़न पे शॉपिंग करो और अगर आपको वहां पे लिखा हुआ मिल जाए फुलफिल्ड बाय अमेज़न, आपने देखा है कभी? हाय सीए गाई, श्रिल सलाम, हाय बंसी, अनिकेत, बॉबिया, आशुतोष, आकाश, अंकित, आपने कभी ये देखा है फुलफिल्ड बाय अमेज़न? इसका मतलब हुआ कि ओनरशिप तो सेलर का है बट इन्वेंट्री अमेज़न के पास है। इसे हम बोलते हैं हाइब्रिड मॉडल। और एक होता है ओनरशिप सेलर का, नहीं, ओनरशिप अमेज़न का और इन्वेंट्री भी अमेज़न का। लेट मी टेल यू, ये अभी उतने सरकार इसको उतना अलाउ नहीं करता, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री मॉडल। इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री मॉडल। तो प्लीज याद रखिएगा, ये दो तरीका इंडिया में बहुत चलता है। अब देखिए ये वाला मैं पॉइंट समझा रहा हूं, आपने लॉग इन कर दिया, सिलेक्ट कर लिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया, पेमेंट कर दिया। पेमेंट कैसे है? या तो कैश ऑन डिलीवरी, और अगर अदर देन कैश ऑन डिलीवरी है तो आपको पेमेंट गेटवे यूज करना होता है। मस्त पॉइंट ये वाला है, समझे, समझने वाला। इट मे बी एग्जीक्यूटेड एट टू डिफरेंट एंड्स। अगर प्रोडक्ट या इन्वेंट्री इज मैनेज बाय द ई कॉमर्स वेंडर, दिस इज हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल मतलब अमेज़न, अमेज़न। तो मालिकाना हक नो डाउट सेलर का है, बट इन्वेंट्री कौन मैनेज कर रहा है? ई कॉमर्स। मैंने प्लस वाले बैच में पूरा फैक्ट्री दिखाया था, मतलब इनका वेयर हाउस इतना बड़ा होता है ना, इतना बड़ा, उसको वन ऑफ द वर्ल्ड का मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम माना जाता है। डिस्पैच शैल बी इनिशिएटेड एट वेंडर्स वेयर हाउस। और सेकंड में, मेनी ई कॉमर्स मर्चेंट अलाउ थर्ड पार्टी वेंडर टू सेल थ्रू मर्चेंट वेबसाइट। ये हो गया मार्केट प्लेस मॉडल। सुना? तो एक हो गया बाबू हाइब्रिड, जहां पे ओनरशिप सेलर का बट इन्वेंट्री मैनेजमेंट अमेज़न का। दूसरा, जहां पे ओनरशिप भी सेलर का और इन्वेंट्री भी सेलर का, उसे मतलब मार्केट प्लेस। इन्वेंट्री मॉडल आपको अभी नहीं पढ़ना है। फाइनली, जब गुड्स डिस्पैच होगा, आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हो, और जो बंदा डिस्पैच करता है ना, तो डिलीवरी बॉय के पास भी एक डिवाइस होता है, वो अपडेट करते रहता है, और जैसे आपको सामान डिलीवर होगा, आप नोटिस करना, आपके पास तुरंत मेल आ जाता है। द मोमेंट आपने सामान डिलीवर किया, आपको तुरंत पता चल जाता है, मेल आता है, डिलीवरी ट्रैकिंग। ऑल मर्चेंट्स हैव प्रोवाइडेड द डिलीवरी स्टाफ विद द हैंडल डिवाइस विद द प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवरी टू कस्टमर इज इमीडिएटली अपडेटेड। एंड फाइनली, कैश ऑन डिलीवरी का ट्रैकिंग। अगर ऑनलाइन पेमेंट है तो पेमेंट गेटवे, अगर सीओडी है, ऐसा हो सकता है ना कि डिलीवरी बॉय पैसा लेके भाग जाए, तो डिलीवरी का भी, सामान का भी ट्रैकिंग कीजिए और कैश ऑन डिलीवरी का भी ट्रैकिंग कर लीजिए। फाइनली सर, कई जगह ऐसा भी होता है कि आपको डिलीवरी की ज्योति भी पड़ती है। अब कुछ दिन पहले मैंने एक एंटीवायरस खरीदा, वो ईमेल पे आ गया। मैंने कोई ऑनलाइन किताब खरीदा, ईमेल पे आ गया। तो न्यूमरस सर्विसेज ऑफ द नेचर विच डज नॉट हैव अ सेपरेट डिलीवरी नीड, फॉर एग्जाम्पल बुकिंग अ ट्रेन टिकट, इन दिस केस देयर इज नो सेपरेट डिलीवरी ऑफ सर्विस। ये समझ में आया या नहीं आया? हाय स्नेहा, बाबू कंफर्म कीजिए क्या ये समझ में आया या नहीं आया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रिस्क एंड कंट्रोल। देखिए बाबू, द मोमेंट आप ई कॉमर्स पे जा रहे हो ना, आप ऑनलाइन जा रहे हो, आपको ना पता सेलर कौन है, आपको नहीं पता कस्टमर कौन है। अगर आप सेलर हो तो आपका एड्रेस उनके पास है, आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल उनके पास है, तो कई सारे रिस्क हो सकते हैं। बच्चा मतलब सर एग्जांपल दो, मतलब बिल्कुल लो, ये प्लीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट होता है जो कि किताब वगैरह में नहीं होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए द मोमेंट आप ऑनलाइन गए, आपने अपना घर का एड्रेस मोबाइल नंबर दे दिया, आप चाहते हो कि वो आपका डेटा बेच दे, नहीं सर, तो सबसे पहले आपका प्राइवेसी आपको ध्यान देना पड़ता है। दूसरा, जो आपका क्रेडिट कार्ड का डेटा है बाबू, या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वो लोग स्टोर कर लेते हैं, वो क्रेडिट कार्ड का डेटा, उसकी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम सबने सुना है सर ऑर्डर तो किया था आईफोन, मिल गया साबुन का टिकिया, तो हो सकता है क्वालिटी इशू हो कि जो प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया और जो आपको डिलीवर हुआ वो एक जैसा नहीं है, सर ये भी इशू है। एक और पॉइंट हो सकता है, कई बार बाबू बहुत लंबा टाइम वो लोग ले लेते हैं, बोलते हैं 2 दिन, होता है 20 दिन, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि 20 दिन बाद बोलते ना 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 अब हम कैंसिल कर रहे हैं, तो डिले हो सकता है। साथ ही साथ बिना इंटरनेट के ई कॉमर्स से कोई काम नहीं है। और सबसे बड़ा पॉइंट है पर्सनल टच। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अब भी मैंने अपने घर में एक साउंड सिस्टम खरीदा, एकदम अभी का मैं बता रहा हूं, अभी होम थिएटर। अब मैंने अमेजोन पे देख लिया, बट लेट मी टेल यू, मैं गया लेने रिलायंस डिजिटल, ऑफलाइन गया, वहां पे गया, वहां पे आवाज सुना 2-3 अलग अलग ब्रांड का, दाम मिलाए ऑनलाइन से, उनको दिखाया और उसी दाम पे खरीद लिया। तो पर्सनल टच नहीं होता है, तो कई बार आप उतना प्रेफर नहीं करते हो। तो ये 5 प्रॉब्लम है, कितना, 5, प्राइवेसी का, सिक्योरिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड डेटा, डिले हो सकता है, क्वालिटी हो सकता है, हिडन कॉस्ट भी हो सकता है, इंटरनेट है और पर्सनल टच नहीं है। ये है कस्टमर के एंगल से। अब बात करते हैं अमेजोन के एंगल से। बाबू सबसे बड़ा रिस्क, पता चला कोई टेररिस्ट अमेजोन से सामान मंगा के बम बना दिया, तो आपको पता ही नहीं है एनोनिमिटी, क्या आपको पता ही नहीं है कि भैया आपका जो यूजर है वो कौन है, ये बहुत बड़ा दिक्कत है बाबू अगर आपको पता ही नहीं है। दूसरा, ऐसा हो सकता है कि वायरस अटैक हो जाए और पूरे का पूरा वेबसाइट डाउन हो जाए, या डिनायल ऑफ सर्विस हो जाए। डिनायल ऑफ सर्विस मतलब आपको वो एक्सेस करने ही ना दे, हैकर का अटैक हो जाए। और एक और पॉइंट, उन्होंने सामान भेज दिया, आपने कैंसिल कर दिया, रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आप कैसे याद करोगे, 5+4 याद करोगे, 5 कस्टमर के एंगल से, 4 अमेजोन के एंगल से। देखिए रिस्क, दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन e-commerce are high as compared to general internet activities. क्यों, ऐसे याद करना आपको, privacy and security of sensitive data, आपका जो भी डिटेल है एड्रेस वगैरह, आपका क्रेडिट कार्ड का डेटा वो क्लोन ना हो जाए, कॉपी ना हो जाए, क्वालिटी साबुन की जगह सॉरी आईफोन की जगह साबुन का टिकिया हो जाए, डिले हो जाए या हिडन कॉस्ट हो जाए, नेट चाहिए और पर्सनल टच बाबू नहीं होता है। उनके एंगल से एनोनिमिटी, नीड टू आइडेंटिफाई, तब भी आप याद करो वो आपसे ईमेल आईडी मांगते हैं, ओटीपी से कंफर्म कराते हैं। डिनायल ऑफ सर्विस, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी कोई वायरस अटैक हो गया, हैकर ने अटैक कर दिया, या रेपुटेशन ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये कॉमन है, आपने सामान ऑर्डर किया, उन्होंने भेज दिया और आपने रिफ्यूज कर दिया डिलीवरी। ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, उन्होंने पैसा ले लिया और 10 दिन बाद उन्होंने ऑर्डर कैंसिल करके आपको पैसा वापस कर दिया। तो सेलर में रिपुडिएट मतलब कैंसिल, रिवोक, रिसाइंड, वाओ कितना बड़ी इंग्लिश है, रिपुडिएशन मतलब कैंसिल, रिसाइंड, रिवोक। सेलर में रिपुडिएट ऑर्डर आफ्टर एक्सेप्टिंग इट, कस्टमर कैन ऑल्सो एक्सेप्ट, कैन ऑल्सो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिलीवरी। कोई डाउट रिस्क में, रिस्क में कोई भी डाउट,
ठीक है। अच्छा बच्चा बोला कि सर आपने तो पिछला क्लास कैंसिल किया था ये बोल के, ये गर्मी लग रहा है, एसी में दिक्कत आ गया है। तो बाबू हमने साउंड सिस्टम के साथ एसी भी खरीदा, बट अगेन ये जो एसी भी खरीदा आपने कैसे खरीदा, ऑफलाइन जाके। क्यों? क्योंकि बाबू कभी कभी खरीदना होता है तो बड़ा जरूरी होता है ना, बहुत जरूरी होता है ये वाला पर्सनल टच, ताकि हम देख सके आगे। अब कंट्रोल है तो ऑब्वियसली रिस्क होगा, सॉरी रिस्क है तो कंट्रोल होगा, बट पॉइंट ये है कि बाबू रिस्क को अगर हमें कंट्रोल करना है, आपने सुना है एक कहावत कि अगर एक चेन है, चेन तो एक चेन उतना ही मजबूत होता है जितना उसका सबसे कमजोर हिस्सा होता है। मानो आपने एक चेन बना दिया, उसमें एक वाला बहुत कमजोर है, बाकी सारे मजबूत है, तो बाबू ये टूट जाएगा यहां से। तो अगर आपको रिस्क को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले देखिए कि आपके ई कॉमर्स में कंपोनेंट कौन कौन है। सबको समझाना है कि देखो बाबू ई कॉमर्स कर रहे हो तो ये सारे रिस्क है, हमसे इनसे बचना है। तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा पार्टिसिपेंट कि भैया ई कॉमर्स में या ई बिजनेस में आपके पार्टिसिपेंट कौन है। अब इसका एक मस्त सा शॉर्टकट है, क्योंकि टाइम कम है तो मैं आपको शॉर्टकट दे देता हूं, बट ध्यान दीजिएगा हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। सर क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम इन सारे पार्टिसिपेंट को ना अलग अलग से बताएंगे कि भैया देखो ई बिजनेस में ना बहुत सारा रिस्क है, वी शुड बी कॉशियस कि कोई हमारा काट न ले, कोई हमारे अगेंस्ट कुछ काम ना कर दे। तो बच्चा बोला सर कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं? अब एक शॉर्टकट है, सुन लीजिए। आपको ऐसा लगता होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया का दोस्त है, आपको लगता है कि नहीं? आजकल यूएस आपको इंडिया का दोस्त लगता है कि नहीं? आजकल पिछले 5 साल से शिवेश बाबू मुझे आपका नाम याद है, आप पुराने 6 महीने पहले जो वीडियोस थे ना बाबू आप उस पर भी आए थे, ठीक है। गेस व्हाट, 6 महीने पहले जो बच्चे थे ना वो पास होके निकल गए आगे, आप स्टूडेंट तो हो नहीं, ठीक है। आप समझो, ज़्यादा मैं बोलूँगा तो फिर सही नहीं होगा, आप समझो इस बात को। तो आप दोबारा 6 महीने बाद आए हो, या तो आप सुधर जाओ या 6 महीने बाद आप दोबारा आओगे, समझ लो अंतर। आप 6 महीना पहले भी यही थे, आप अभी भी यही हो, और 6 महीने बाद भी अगर ऐसा ही चलता रहे तो आप यहीं पर रहोगे। इसलिए जो भी कर लो उसमें अच्छा करो, जो भी कर लो भगवान आपको सद्बुद्धि दे एंड जीवन में तरक्की दे, ठीक है। ऑल इंडिया 12th रैंक आया है, समझ लो। तो सर्टिफिकेट का बाबू जरूरत नहीं होता है हमें, अगर एक दो बच्चे होते ना तो हमें सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती, जरूरत नहीं है। गूगल पे एक बार चेक कर लो। नहीं नहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं, विच इज फाइन। अरे मुझे तो ये भी पता है, मेरे पास तो स्क्रीनशॉट है, अगर मैं चाहूँ ना तो जो हमारे चैट बॉक्स में आके ऐसे करते हैं वो कहाँ किसके चैट बॉक्स में जाके बड़ाई करते हैं हमें वो भी पता है, हमें स्क्रीनशॉट है। किसी दिन मूड हुआ तो यूट्यूब पे आके हम लोग वो भी बता देंगे स्क्रीनशॉट दिखाकर, ऐसा नहीं कि बोलकर, बोलने वाला काम तो मेरा है ही नहीं, स्क्रीनशॉट दिखा देंगे कि ये आईडीज हमारे चैट में आके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और यही आईडीज किसी और के यहाँ पिछले 1.5 साल से हर वीडियो में एकदम पॉजिटिव कमेंट मार रहे हैं। तो वो ना फिर समझ में आ जाता है एजेंडा प्रोपेगेंडा। आई थिंक इस सबसे हम लोग को ऊपर उठना चाहिए, ठीक है। आई थिंक भाई साहब निकल गए, तो मैं बस बता दे रहा हूँ फॉर वंस एंड ऑल कि आप बता देना कि अगली बार हुआ तो हम लोग ना एक वीडियो बनाएंगे, एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ना रीच बहुत है, अगर आदमी चाह दे तो वीडियो बना के ना पूरा शोकेस कर देंगे, पूरा इंडिया को पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। चलिए आइए, आगे बढ़ते हैं। सो यूएस हो गया। अब यूएस गवर्नमेंट
नॉर्मली हमें लगता है कि सर इंडिया का बड़ा हितैषी है, रियलिटी में ऐसा नहीं है, वो भी अपना फायदा देखता है, वो भी इतना फायदा देखता है। पहले इनफैक्ट वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, और आपको पता है पाकिस्तान कौन है? पाकिस्तान हमारा टेररिस्ट नेशन पाकिस्तान है, एंड लव्स। ये आप हिस्ट्री पढ़ना, वो समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ये एकदम फैक्ट है, पिछला 10 साल छोड़ दो तो यूएस गवर्नमेंट ट्रेडिशनली पाकिस्तान को ही सपोर्ट करता है। अब यू से देखिए, यू से है यूजर, तो पाकिस्तान यूजर यानी जितने भी यूजर है, सेलर है, कस्टमर है, इन सब को बताना है कि कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। इससे सेलर या मर्चेंट, और सुनिए बाबू ध्यान से, जितने भी मेरे सेलर्स हैं उन सबको इंश्योर करना है कि भैया तुम कुछ झूठ मत बोलो, सही सामान का एडवर्टीजमेंट करो, सही प्राइस लिखो, हिडन कॉस्ट मत रखो। जी से खुद गवर्नमेंट, अब भी आपको पता चला होगा कि अमेजॉन पे वो मरिजुआना जो ड्रग्स वगैरह होता है वो सब पकड़ा गया था। तो गवर्नमेंट बस इतना चाहता है कि भैया लीगल सामान बेचो और टैक्स दे दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। एल से लॉजिस्टिक्स पार्टनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट है मैं बता दूं, इस नैपडील जो डूब गया इसी कारण डूब गया, फैक्ट्री वेयरहाउस से सामान सही निकला, बीच में जो लॉजिस्टिक मतलब होता है जो डिलीवरी करते हैं, तो जो डिलीवरी कर रहा है वो डिलीवरी वाले भाई साहब ने सामान चेंज कर दिया। इसी चक्कर में फ्लिपकार्ट ने अपना खोल लिया है ई कार्ट, इसी चक्कर में, डिलीवरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अमेजोन ने अपना नहीं खोला है, बट अमेजोन ना बाबू ब्लू डार्ट यूज करता है, ब्लू डार्ट काफी रिप्यूटेड है कुरियर कंपनी। तो लॉजिस्टिक्स बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया अगर वेयरहाउस से कोई सामान निकल रहा है तो बीच में टैंपरिंग ना हो, छेड़खानी ना हो जाए। टी से जितना आपका टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने आपको अभी पढ़ाया था 3-tier इंफ्रास्ट्रक्चर, 3-tier, तो पूरा टेक्नोलॉजी। एन से आपका नेटवर्क, नेटवर्क याद रखिएगा, नेटवर्क मतलब इंटरनेट वगैरह। और पी से हमारा पेमेंट गेटवे। तो ये 7 है आपके, ये 7 पार्टिसिपेंट को आपको ध्यान में रखना, याद रहेगा यूएस गवर्नमेंट लव्स नेशनल टेररिस्ट पाकिस्तान। देखिए, यूजर, टू एंश्योर दैट जेन्युइन यूजर्स दिस प्रिवेंट अटैक ऑन वेबसाइट फ्रॉम द हैकर्स। सेलर या मर्चेंट, अब सेलर जो है वो पैसा लेके भाग ना जाए, फाइनेंशियली एंड ऑपरेशनली स्टेबल हो, कंट्रोल चाहिए, प्रोडक्ट कोई भी बाबू मिसलीडिंग ना हो, एकदम फुल डिस्क्लोजर हो, फुल डिस्क्लोजर वारंटी का, प्राइस का, मिसलीडिंग कोई भी हिडन कॉस्ट ना हो, प्राइस एकदम सही होना चाहिए, डिस्काउंट एंड प्रमोशनल अगेन ये मिसलीडिंग ना हो, कितने के अंदर शिपिंग रिटर्न करेंगे ये सारा, एंड अकाउंटिंग फॉर कैश रिसीव थ्रू कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, 3-4 याद कीजिएगा। गवर्नमेंट 2 मेजर कंसर्न है, सारे जितने भी गुड्स बेच रहे हैं उनको आपका टैक्स अकाउंटिंग, GST हो, इनकम टैक्स हो, एंड केवल लीगल सामान AK-47, आर्म्स, ड्रग्स ये सब मत बेच दीजिए। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, जो भी नेटवर्क है मतलब कनेक्शन इंटरनेट, मेक श्योर वो हमेशा अवेलेबल रहे और सिक्योर्ड रहे, कोई भी अगर डाउन टाइम हो रहा है वो बाबू डिजास्ट्रस हो सकता है। क्या हो सकता है? डिजास्ट्रस। जस्ट इमेजिन ना, बिग बिलियन डे सेल के दिन फ्लिपकार्ट का वेबसाइट डाउन हो जाए, जस्ट थिंक अबाउट इट, बिग बिलियन डे के दिन उनका वेबसाइट डाउन हो जाए। टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर, ये क्या होता है? हर इंफ्रास्ट्रक्चर अदर देन नेटवर्क, अब इसमें ना क्लाउड कंप्यूटिंग बैकएंड ये हमें पढ़ाना है, डोंट वरी, तो इंक्लूड ऑल द सर्विस अदर देन नेटवर्क सर्विस टू एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। फाइनली लॉजिस्टिक्स बाबू, ये टाइमली डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड सक्सेस फेलियर डिपेंड ऑन लाइज हियर। इसका एग्जाम्पल है बाबू स्नैपडील, बेस्ट एग्जाम्पल है, फेल हो गया और फ्लिपकार्ट अपने ई कार्ट के कारण सक्सेसफुल हो गया। और पेमेंट गेटवे, ताकि जो भी पेमेंट हो उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग हो और आपको वो सामान मिल जाए। क्या ये शॉर्टकट याद रहेगा? यूएस गवर्नमेंट लव्स नेशनल ट्रेड पाकिस्तान या ट्रेड स्टेशन पाकिस्तान। अब मुद्दा है
कि सर कंट्रोल क्या हो, तो बाबू कई बार ना आपको पता ही नहीं होता है कि कुछ काम नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे एज अ यूजर आप कभी भी अपना ओटीपी किसी को शेयर करोगे, कभी नहीं शेयर करना चाहिए। तो इस तरह से आप क्या करो, ई कॉमर्स वाले आपको एक अलग अलग पार्टिसिपेंट का ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करना चाहिए, एडवर्टीजमेंट करना चाहिए कि भैया कस्टमर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे सेफली करे। बैंक नहीं करता है, नेवर शेयर योर पिन, नेवर शेयर योर ओटीपी। तो सबसे पहले बाबू एजुकेट कीजिए, लोगों को पता ही नहीं होता है कि पैसा कट गया। एजुकेट द पार्टिसिपेंट ऊपर वाले अबाउट नेचर ऑफ रिस्क, पॉलिसी में इंक्लूड फ्रीक्वेंसी एंड द नेचर ऑफ प्रोग्राम और कौन कौन उसका पार्टिसिपेंट होगा, जैसे डूज एंड डोंट्स फॉर ऑनलाइन पेमेंट। दूसरा, जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबको ना पॉलिसी समझा दीजिए। मतलब सर सोच दीजिए, आपका पर्सनल डेटा उनके पास है, आप कभी नहीं चाहोगे कि वो उस डेटा को यूज करके मतलब डेटा को बेच दे किसी और को। जस्ट इमेजिन आपने अमेजोन से खरीदा, अमेजोन आपका डेटा बेच रहा है किसी कार वाली कंपनी को। तो भैया एज अ रिस्पॉन्सिबल ई कॉमर्स आपको ना सिर्फ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सिर्फ मतलब जो भी आपका शिपिंग एंड बिलिंग पॉलिसी है, कितने दिन के अंदर आप शिप करोगे, बिलिंग कैसे करोगे, जो भी आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। जैसे मैं आपको बताऊं, SSL यूज करता है, सारे वेबसाइट SSL यूज करते हैं वो सब। जो भी आपका रिफंड पॉलिसी है और जो भी आपका प्राइवेसी पॉलिसी है, ये सब आप उनको बता दीजिए पहले से, ताकि कल को डिस्प्यूट ना हो जाए। क्या ना हो जाए, डिस्प्यूट। साथ ही साथ हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई रेगुलेटर होता है, कोई ना कोई रेगुलेटर होता है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में SEBI, बैंक में RBI। उसी प्रकार से इवन ई कॉमर्स के लिए ना बाबू RBI कई सारे गाइडलाइंस निकालते रहता है, मेक श्योर आप उस RBI गाइडलाइंस को फॉलो कर लीजिए। अभी पेटीएम पे RBI ने एक बड़ा डिसीजन लिया है, और आपको नहीं पता है पेटीएम बैंक को बोला गया है कि पेटीएम बैंक आप कोई नया कस्टमर नहीं ले सकते हो, कुछ इंक्वायरी चल रही है, तो इंश्योर द कंप्लायंस विद द इंडस्ट्री बॉडी स्टैंडर्ड। तो कोई भी अगर आपका इंडस्ट्री का रेगुलेटर है, उसने जो भी स्टैंडर्ड सेट किए हैं, यू हैव टू फॉलो दैट। RBI ने रिलीज करते दिस स्टैंडर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, विच मे बी विच मस्ट बी कंप्लाइड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है, तो पहले तो है सबको एजुकेट कर दो, फिर आप उनको कम्युनिकेट कर दो अपनी पॉलिसी, फिर इंश्योर कीजिए कि जो भी गाइडलाइंस है उसे फॉलो कीजिए। सबसे मैंने अपने ई कॉमर्स वेबसाइट को बचाना है इंट्रूजर, किससे बचाना है, सर हैकर से बचाना है, वायरस से बचाना है। ओके, तो काम कीजिए ना सर, एक सॉफ्टवेयर ले लीजिए, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, और वो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट मारिए। जो पासवर्ड हो वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। लेट मी टेल यू, आप गूगल पे जाके, बहुत सिंपल सा चीज है, आप सर्च करो कितने दिन के अंदर, कितने देर में आपका पासवर्ड ब्रेक हो सकता है, और आपने 1 2 3 4 डाला ना, 2-3 सेकंड में ब्रेक हो जाएगा, जो एक्सपर्ट होते हैं। तो हमेशा लेटर, नंबर्स, कैपिटल, स्मॉल, स्पेशल, ये सब लेके कम से कम 6 डिजिट या उससे ज्यादा को होना चाहिए, कम से कम, ताकि मजबूत रहे। एंड अगर कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जा रहा है, उसका एक्सेस कैंसिल कर दीजिए। सोचो कोई अमेजोन का एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चला गया, उसका तो कैंसिल कर दीजिए। प्रोटेक्ट करेंगे कैसे, हैकर से। आप एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर पैकेज ले लीजिए और उसी को हमेशा अपडेट भी करते रहिए, वायरस को स्कैन करते रहिए, पासवर्ड मजबूत रखिए, उसको चेंज करते रहिए। PwC में एवरी 90 डेज आपको चेंज करना है, एवरी 90 डेज आपको अपने लैपटॉप का पासवर्ड चेंज करना है PwC में। तो एक एम्प्लॉय का जो एक्सेस है वो भी टर्मिनेट करना चाहिए, और जो सेंसिटिव डेटा है मेक श्योर आप उसे एनक्रिप्ट कर लीजिए। एनक्रिप्ट हम लोग आपको Chapter 3 में पढ़ाएंगे। बेसिकली जो क्लियर टेक्स्ट होता है ना, क्लियर ईजी, जैसे इंग्लिश, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं सिंबल्स में, डिटेल हम लोग Chapter 3 में कराएंगे। आगे तो रिस्क एंड कंट्रोल में किसी को डाउट, रिस्क एंड कंट्रोल में हां पेटीएम बैंक बाबू हुआ है, दिक्कत हुआ है, रिस्क एंड कंट्रोल में किसी को कोई भी दिक्कत,
आगे बढ़ते हैं। अगला है गाइडलाइंस, और सुनिए ध्यान से, प्रभु दो वर्ड है, एक है गाइडलाइंस, एक है लॉज। जो कानून होता है ना, कानून वो ऑप्शनल नहीं होता है, वो आपको फॉलो करना ही करना चाहो या ना चाहो। जो भी कानून या जो भी लॉ आपकी इंडस्ट्री पे लगता है, यू हैव टू फॉलो दैट। बट जो गाइडलाइंस होता है ना बाबू, वो वॉलंटरी होता है। बट गाइडलाइंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? ताकि जो कस्टमर है ना, आप समझो इस बात को, अगर कस्टमर खुश नहीं है तो आपका दुकान कैसे चलेगा? तो डिसाइडेड बाय ई-कॉमर्स है, नो डाउट गाइडलाइंस, बट कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब नॉर्मली किस किस बात पे गाइडलाइन चाहिए, तो एक शॉर्टकट है, मानिए आप डीपीएस स्कूल है, डीपीएस बैंगलोर में एक रीयूनियन हो रहा है बच्चों का, इसका बैकग्राउंड है बट आप बस ऐसे याद कर लेना। जैसे आप ऑर्डर प्लेस करते हो, कस्टमर क्या चाहता है? कस्टमर चाहता है, बताओ शिपिंग कब होगा? आज शिपिंग होगा, कल होगा, एक हफ्ते बाद होगा, तो बता दो शिपिंग कब होगा, शिपिंग डेट टाइम वगैरह, डिलीवरी कब होगा। अच्छा एक और चीज, अगेन ये सब मैं क्लास में डिटेल में बताया हूं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आप समझ जाओ। आप ना जब एड्रेस डालते हो ना, वो आपसे पूछता है कि बाबू आपका एड्रेस ऑफिस का है आकि होम का है। अगर आपने ऑफिस बोल दिया तो आपका पैकेज 10 से 5 बजे में डिलीवर हो जाएगा। आपने होम बोल दिया ना, वो सवेरे 8 बजे भी आ सकते हैं एंड रात के 9 बजे भी आ सकते हैं। इनफैक्ट मेरे पास तो रात में 11 बजे तक आए हैं ना। इफ यू वॉन्ट यू कैन रिफ्यूज, 9 बजे के बाद आप चाहो तो आप रिफ्यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, रिफ्यूज मत करना, उन बेचारों पे अलग से बर्डन आ जाता है। अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो तो भैया रात में 11 बजे मेहनत ही कर रहा है ना वो, एक्सेप्ट कर लेना। बट उनका ऑफिशियली होता है कि अगर होम आप बोल रहे हो तो सवेरे 8 से रात के 9 बजे तक आपको डिलीवर करते हैं। तो ये सब आप पहले से बता दो अपने कस्टमर को कि शिपिंग कब होगा, डिलीवरी कब होगा, और वो भी डिलीवरी कौन करेगा, कुरियर से है, हैंड डिलीवरी, हैंड डिलीवरी मतलब अपने पड़ोस में ब्लिंकिट या इंस्टामार्ट या स्विगी, उन पे ऑर्डर प्लेस किया वो तो डिलीवर कर देते हैं, कुरियर थोड़ी होता है। तो वो सब बातें, जो बिल होगा, बिल का फॉर्मेट क्या होगा, उसमें जीएसटी वगैरह कितना लगेगा, ये सब बातें आपको बताना पड़ता है। तो डिलीवरी मोड ऑफ कुरियर या हैंड डिलीवरी कहाँ होता है, जोमैटो पे नॉर्मली हैंड डिलीवरी होता है और अमेजोन पे कुरियर होता है। कब होगा बाबू, टाइम एंड डेट, और कहाँ होगा, मैंने आपको बता दिया ना होम एंड ऑफिस का पॉइंट, बिलिंग फॉर्मेट डिटेल एंड एप्लीकेबल जीएसटी, पेमेंट, सुनो, मैंने आपको बताया है क्या ई कॉमर्स पे ज्वेलरी बिकता कि नहीं, ज्वेलरी मैंने आपको बताया ना, कैरेट लेन, ब्लू स्टोन, कैंडियर, तो ज्वेलरी बिकता है। बट अगर बाबू आप ज्वेलरी खरीदे और आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहे हो, मैंने बोला क्यों नहीं प्लेस करो, सर हम कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, बोलेगा ना बाबू मोटा आइटम है, कैश ऑन डिलीवरी अलाउड नहीं होता है। तो मोड वैसे कैश ऑन डिलीवरी या ऑनलाइन पेमेंट है, बट कई जगह पे स्पेसिफिक पेमेंट मोड स्पेसिफाई कर देता है, वो बाबू हाईलाइट कर लेना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ज्वेलरी में नॉर्मली ऑनलाइन पेमेंट एडवांस पेमेंट होता है। रिटर्न, क्या सारे प्रोडक्ट रिटर्न हो सकते हैं? आंसर इज नो। अगर कोई अंडर गारमेंट परचेस कर रिटर्न कर रहा है, अलाउड नहीं होता है। अगर कोई सब्जी फल, जनरली रिटर्न नहीं होता है जब तक इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मेजोरिटी गुड्स रिटर्न हो सकते हैं, कई सारे गुड्स रिटर्न नहीं होते हैं। मैंने अपने घर में टेबल टेनिस मंगाया था, लेट मी टेल यू, उनका वन ऑफ द कंडीशन था टेबल टेनिस का कि भैया रिटर्न अलाउड नहीं है, अगर डिफेक्ट तो अलग बात है तब तुम रिटर्न करेंगे, वरना आप समझ लो टेबल टेनिस बहुत भारी होता है, जब आता है ना, मतलब पता नहीं, मैंने तोला तो नहीं था पर 70-80 किलो से कम नहीं था, 3 लोग लगे थे उसको उठाने में फुल साइज। अब उतना खर्चा करके बेचारा आपके घर पहुंचाया और आपको ना मुझे पसंद नहीं है, तो सारे गुड्स रिटर्न नहीं होते हैं। बट आप बता दो ना कौन सा रिटर्न हो सकता है, कितने दिन के अंदर, पहले 30 डेज था, फिर 10 डेज हुआ, अब 7 डेज पे आ गए हैं। आप कैसे वेरीफाई करोगे कि जो आपने परचेस किया, जो आप रिटर्न करो वो सेम है? जैसे कपड़ों में मैं आपको बता दूं, यार कोई टैग होता है, टैग, वो उससे वेरीफाई करते हैं। इसमें एक फ्रॉड क्या हुआ था जान लो, एक बंदा आईफोन मंगाता था, आईफोन खोलकर अंदर के पार्ट निकाल देता था,
फिर फेक पार्ट लगाकर रिटर्न कर देता था, इज अ प्रॉब्लम है. एंड ड्यूरेशन आउट ऑफ विच द मनी विल बी रिफंडेड. एंड फाइनली प्रोडक्ट गारंटी या वारंटी, आपको प्योरली बताना चाहिए कि सर कितने दिन का गारंटी वारंटी है और उसका कार्ड भी भेजना चाहिए. मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर आप एसी की बात करो तो एसी ना एक साल का तो पूरा वारंटी देता है, बट सबसे मेन पार्ट होता है इसका कॉम्प्रेसर, जो सबसे महंगा होता है, उसका 10 साल का देता है. तो ये बात आप क्लियरली लिख दीजिए. अब ये सब है बाबू आपका गाइडलाइन, ये आपकी मर्जी पे है. आप चाहो आप बोल सकते हो नहीं देंगे कैश ऑन डिलीवरी, आपकी मर्जी है. ये नहीं कह रहा कि आप कैश ऑन डिलीवरी दो, ये बस इतना कह रहा है कि भैया आपको जो भी करना है आप कस्टमर को बता दो कि डिस्प्यूट ना हो. अगर रिटर्न नहीं करना है अब बता दो, तो ये तो आप डिसाइड कर रहे हो. अगला है वो आप डिसाइड नहीं कर रहे हो, वो सरकार कह रहा है करने के लिए, कमर्शियल लॉस. बड़ा सिंपल सा है, ई कॉमर्स है तो कॉमर्स ही. हाँ जी, जो ई कॉमर्स है वो है तो कॉमर्स ही, तो कॉमर्स के जितने भी लॉज हैं वो ई कॉमर्स पे भी लगेंगे. ठीक है, कॉमर्स के जितने भी लॉज हैं वो ई कॉमर्स पे भी लगेंगे. सो ऑल ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस आर इसेंशियली कमर्शियल ट्रांजेक्शंस, हेंस फॉलोइंग लॉज आर एप्लीकेबल. ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए कैसे कैसे. इनकम टैक्स, ये सब पढ़ाने का मेरा काम नहीं है क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो. मैं ये देख लो, ये देख लो, ये वाला जनरली मैंने आपको पहले बताया था. आप लोग सर ई कॉमर्स में ना ट्रेडिंग होता है, फैक्ट्रीज में तो मैन्युफैक्चरिंग होता होगा, तो फैक्ट्री एक्ट कैसे लग गया? रीजन बीइंग फैक्ट्री एक्ट इवन जो स्टोरेज होता है ना और ट्रांसपोर्टेशन उस पर भी लगता है. और चूंकि अमेजोन बड़े बड़े वेयर हाउस मेंटेन करता है तो फैक्ट्री हाउस एक्ट उस पर भी लग जाता है, लग जाता है. सिंपली कस्टम एक्ट. अब सुनिए, डील्स इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो इंडिया है वो सिग्नेटरी है किसमें? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गैट गैट. सो गैट ऑफ WTO एंड कांट लिविंग कस्टम ड्यूटी दैट आर नॉट WTO कंप्लाइंट. अब मैं आपको बता दूं, ये आप जब CA फाइनल में जाओगे वहां पे आप पढ़ोगे, कितना मजा आता है. सर चाइना से हमारी थोड़ी पंगा हो गया, एक काम कीजिए सर आप कस्टम ड्यूटी लगा दो. ऐसे आप नहीं लगा सकते हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको रोकता है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर के लिए याद है, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी हर्ड, वो सब राइट्स. सोर्स ऑफ मोस्ट लिटिगेशन, ये कीवर्ड है. पहले ये देखो, कंपटीशन एक्ट. हंसी आएगा जो मैं आपको बोलूंगा, जियो के बाद आपको लगता है कंपटीशन एक्ट. सोचो कंपटीशन क्या बोलता है, अगर कोई भी मार्केट में ऐसे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, कोई भी मार्केट में अगर ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जिससे कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, हम उसको बंद कर देंगे. जियो आके फ्री कर दिया था, देखो कम पैसा चार्ज होने कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने फ्री कर दिया, ये बहुत एक तरह से तो गलत बात है. तो रेगुलेट्स प्रैक्टिसेस दैट हैव AAEC बोलते हैं, AAEC अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन. मतलब सोचो ना, देखो मानिए हमारी इंडस्ट्री में एक प्लेयर आप हो, एक कोई और है, एक कोई और है, एक मैं हूं, और मानिए मेरे पास पुराना बहुत मोटा पैसा है, बहुत पैसा वाला आदमी मैं, मेरे पास ना 10,000 करोड़ का रिजर्व है, और आप लोग, अच्छा मेरे पास मार्केट शेयर मानो 25% है, मानिए आपके पास ही 25% है. मुझे दिख रहा है ना यार कि आप बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप मुझसे आगे निकल रहे हो, अब मैं क्या करूं? एक काम करो ना बेटा, पैसा बहुत है, मैं एक साल के लिए अपना दाम 20% कर दूंगा, एकदम कम कर दूंगा, तो जितने भी कस्टमर है वो सारे मेरे पास आ जाएंगे. अब मेरे पास तो पैसा है, मैं लॉस बर्दाश्त कर सकता हूं, क्या आप बर्दाश्त कर सकते हो उतने लंबे समय के लिए? अगर मेरे पास पैसा है तो मैं तो कुछ दिन के लिए लॉस बर्दाश्त कर सकता हूं ताकि मेरे कस्टमर आ जाए, क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो.
और ये काम बाबू करता है, ये काम जियो में हुआ। पेट्रोकेमिकल के रिफाइनिंग का पैसा रिलायंस ने टेलीकॉम में डाल दिया और सारे एयरसेल वगैरह सब खत्म हो गए। फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया, मजाक है बट एग्जाम में आ गया तो पढ़ना पड़ेगा। थ्रू कॉम्पिटिशन कमीशन चेक्स प्रीडेटरी प्राइसिंग, ये क्या होता है? सेल प्राइस बिलो कॉस्ट प्राइस, ताकि आप मैनिपुलेट ना करो। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये थोड़ा सा मैं आपको बाबू समझा देता हूं, ये एक तरह से अमेंडमेंट भी है, थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है, सुन लीजिए। जब भी फॉरेन एक्सचेंज आता है, आपको पता है फेमा 1999 का एक्ट आता है बाबू, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड। फेमा क्या होता है? फेमा कि इंडिया में एफडीआई कैसे अलाउ करेंगे। देखो अगर आप B2B हो तब तो 100% अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इवन वॉलमार्ट इंडिया में आकर होलसेलर को बेच सकता है। सो B2B में, बिजनेस टू बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, B2C में ध्यान दीजिएगा बाबू। अगर आप मार्केट प्लेस मॉडल हो, मैं ये अभी समझाया हूं, इसमें क्या होता है? ओनरशिप एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। विद सेलर, सारा काम सेलर कर रहा है, यहां भी 100% FDI अलाउड है। जो इन्वेंट्री मॉडल है, इन्वेंट्री मॉडल, अभी ना आपको थोड़ा सा डिस्प्यूटेड लगेगा, मैं फिर बता रहा हूं, आपको थोड़ा सा डिस्प्यूटेड लगेगा। एक बहुत बड़ा इसमें गाइडलाइंस है, कई पेजेस का, आपको सब नहीं पढ़ना है, आपको उतना ही पढ़ना है जिसके स्टडी मैट में है। जो इन्वेंट्री मॉडल है, जहां पर ई कॉमर्स वाला ओन्स इन्वेंट्री, नॉट अलाउड, FDI अलाउड नहीं है, FDI वहां पर अलाउड नहीं है। अगर हाइब्रिड है, हाइब्रिड तो अलाउड है। एंड अगर आप सिंगल ब्रांड रिटेलर हो, बच्चों सर ये क्या होता है, तुमने आज तक सुनाई नहीं है, मैं बताता हूं क्या होता है। सिंगल ब्रांड रिटेलर हो, यहां पे भी अलाउड है। बताओ आप लोग कभी एडिडास का शोरूम में गए हो? एडिडास के जो एडिडास का शोरूम है, एडिडास का अपना वेबसाइट भी तो है, तो एडिडास में एक ही ब्रांड के अंदर उनका टी शर्ट, हाफ पैंट, फुल पैंट, ट्राउजर, शूज, सॉक्स सब बिकता है। तो सिंगल ब्रांड के अंदर कई सारे सामान मिलते हैं, वहां पर भी FDI अलाउड है। आप बस इतना याद कर लेना, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, FDI एंड फ्लो फॉरेन एक्सचेंज, B2B में 100%, B2C में अलाउ हो रहा है धीरे धीरे। इसका सिंप्लीफाइड वर्जन मैंने यहां पे डाल दिया है। ठीक है, चलिए लास्ट, ये तो कॉमन वाले थे। ई कॉमर्स के लिए दो अलग से लॉ है, ये बाबू हम अलग से करते हैं, ये चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 4, तीनों में है। इसको हम एंड ऑफ द सिलेबस करेंगे, लास्ट में। बस आप अभी इतना जान लीजिए, जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं वो सब गवर्न करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सब कौन गवर्न करता है? IT एक्ट गवर्न ऑल इंटरनेट एक्टिविटीज इन इंडिया, इंक्लूडिंग ऑल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इन इंडिया। इट प्रोवाइड्स लीगल सैंक्टिटी टू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन कॉन्टैक्ट, एंड प्रोवाइड फॉर पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। ये आप 1 and 5 and 4 ये एंड में करेंगे। RBI क्या बोलता है? RBI एक्ट, ये ई कॉमर्स एम कॉमर्स के लिए बाबू कई सारे गाइडलाइंस, आपने सुना नहीं है, इंडस्ट्री बॉडी स्टैंडर्ड कंट्रोल्स में।
आपको याद होगा कि आजकल जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है उन सब में चिप लगा हुआ था, चिप, इन्होंने बोला था कन्वर्जन ऑफ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इनटू चिप बेस्ड कार्ड। ये ओटीपी पिन मैंडेटरी है फॉर ऑनलाइन पेमेंट एट पॉइंट ऑफ सेल। ये क्या होता है, जो कार्ड स्वाइप होता है ना, कार्ड स्वाइप उसे बोलते हैं। इसको अभी रहने दीजिए, दैट्स इट। अनिकेत बाबू देखो ये ना एक बहुत बड़ा चीज है जो बच्चे कर, इन्वेंट्री मॉडल आप जान लीजिए। अमेजोन ना ये कर रहा है, आप समझो इस बात को, अमेजोन अभी ना वो यही करना चाहता है। अगेन ये एक अलग से डिस्कशन पॉइंट बन जाएगा, एग्जाम में तो खैर कभी नहीं पूछेगा, बट आप जान लीजिए अगर आपने पूछ लिया है तो। अमेजोन पता है क्या करता है, वो आपको बोलता है आओ मेरे प्लेटफॉर्म पे सामान बेचो। सोचिए मनो अनिकेत, आप कोई बढ़िया सामान बनाते हो, आप क्या बनाते हो, आप डिनर सेट बनाते हो बहुत बढ़िया क्वालिटी का। अमेजॉन बोला अरे अजय भाई, अनिकेत भाई आओ मेरे यहां बेचो, तो आप अमेजॉन पे चले गए और आप दबा के बेचा आपने, आपका प्रोडक्ट उनके टॉप में आ गया। अब सुनिए बाबू ध्यान से, अमेजॉन पता है क्या करेगा, आपके डिनर सेट का कॉपी बनाएगा और आप पहले तो केवल आपका सामान बिक रहा था, अब जब भी कस्टमर आपका क्लिक करेगा ना उसके बगल में अपना प्रोडक्ट डाल देगा। आप सबने ये सुना होगा ये ब्रांड सोलिमो, और कुछ दिन बाद आपको दिखेगा सर आपका सेल तो कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि अमेजॉन अपना सामान बेच रहा है। अब जो आपके डाई हार्ड फैन है वो तो आपका खरीद लेंगे, तो समझ रहे हो अमेजॉन यही करता है, ये उनका वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस है कि वो पहले सबको अपने पास बुलाता है, फिर देखता है कौन कौन सा सामान बिक रहा है, उसका कॉपी करता है। अरे आप ना बाबू पहली बार R&D किए होगे, मार्केट देखे होगे, 10 सामान बनाए होगे, 8 में फेल हुए होगे, 2 आपका चला होगा, उससे पैसा कमा रहे हो। अमेजॉन को सीधा वो 2 सामान का डेटा मिल जाता है, वो 2 सामान का कॉपी मारता है और सोलिमो के ब्रांड से, एंड लेट मी टेल यू अच्छा बनाता है सोलिमो। हमारे पास भी कुछ आइटम सोलिमो के हैं, तब तक मैंने इतना रिसर्च किया नहीं था, और सोलिमो का जो सामान होता है अमेजॉन का है अपना, वो अच्छी क्वालिटी का होता है, क्योंकि वो तो आपका जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है उसका कॉपी है, बेस्ट सेलिंग की क्वालिटी अच्छी होती है उसका, अगर थोड़ा भी मैच कर दिया तो बढ़िया क्वालिटी है। और आपसे अच्छा आप बेच रहे हो 2000 में, ये बेटा बेचेगा 1600 में, ले लो। तो आपको लग रहा होगा कि प्यार मोहब्बत में अमेजॉन आपके लिए काम कर रहा है, ये होता है, और कई लोग इसके अगेंस्ट है ऑब्वियसली। तो गवर्नमेंट मतलब नहीं चाहता है कि ऐसा हो, तो अभी मैं कह रहा हूं ना इसमें कई सारे डिस्प्यूट्स हैं, अभी बस आप इतना मान लो। ठीक है, डिस्प्यूट जिसको जानना है वो फिर एक अलग से सरकार का एक बड़ा गाइडलाइंस है, वो अपडेट करते रहिए। ये समझ में आया या नहीं आया, बहुत बढ़िया, इसको हम लोग रहने देते हैं, इसको हम लोग बाद में करेंगे। ये काम करते हैं, इसको कर लेते हैं, इसको लास्ट एक पॉइंट और कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको कर लेते हैं। सर ई कॉमर्स जो ग्रो हुआ वो कैसे ग्रो हो गया, अचानक से कैसे ग्रो हो गया, तो वो अचानक से नहीं हुआ। अब समझो ई कॉमर्स से ग्रो करने के पीछे कई सारे रीजन थे, बच्चा बोला सर बताओ क्या रीजन थे, बताओ। हमारे CA में आप सुना है ना, लोग CA करने के बाद भी कई सारे कोर्सेस कर लेते हैं। एग्जाम्पल दोगे, CA बनने के बाद लोग क्या क्या काम कर लेते हैं और कौन कौन से डिग्री लेते हैं, ऐसे मैं फ्रेंकली बताऊं तो वो आपका पर्सनल चॉइस है, अकेला डिग्री ये आपको काफी है जीवन में, बाकी पर्सनल चॉइस है। तो एक बच्चा बोला CS करते हैं,
और कोई सीएमए कर सकता है, कोई एमबीए कर सकता है, कोई एलएलबी कर सकता है, मर्जी है। मैं फिर बता रहा हूं, आपका चॉइस है, करना तो करो, बाकी सबका काम अलग अलग है। अगर आपको सीए का ही काम करना है तो आपको बाकी डिग्री की ऐसा जरूरत नहीं है। हां, बाकी कोई काम करना है तो बेस्ट है। अब सुनिए ध्यान से, पॉइंट ये है, हम लोग एग्जांपल लेंगे सीए का, यहां पे जिक्र नहीं आएगा, यहां जिक्र आएगा एमबीए पास सीएस। ऐसा होता है, ये सीए पास करके लोग एमबीए करते हैं या सीए पास करके सीएस। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि सीएस पास करके बंदा एमबीए कर ले या एमबीए पास करके सीएस कर ले। इनफैक्ट सीएस वाले तो कई बच्चे कर ही लेते हैं एमबीए। और सुनिए, जो सबसे पहला रीजन है ई कॉमर्स से ग्रोथ का, वो है बाबू आप लोग सबसे ज्यादा समय कहां डालते हो, मोबाइल पे, लैपटॉप पे? सोच बताइए, आप ज्यादा टाइम कहां डालते हो, मोबाइल पे, लैपटॉप पे? बच्चा बोले सर कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, सारा चीज तो हम लोग मोबाइल पे करते हैं। तो ये फैक्ट है, प्रोलिफरेशन। माय गॉड, कोई पूछेगा ना क्या पढ़ते हो, तो बोलना यस पढ़ते हैं, कभी कभी जनरल नॉलेज पढ़ते हैं और इंग्लिश पढ़ते हैं। प्रोलिफरेशन मतलब होता है बहुत ज्यादा तेजी में इंक्रीज। मोबाइल डिवाइस हर किसी के हाथ में चला गया, लैपटॉप सबके पास तो था नहीं, ऐप के थ्रू सबके पास मोबाइल डिवाइस चला गया। 55% प्लस कंटेंट केवल मोबाइल डिवाइस के थ्रू होता है और ये बढ़ रहा है। तो वन ऑफ द रीजन है आपका मोबाइल वाला, ठीक है, कि मोबाइल बहुत तेजी में ग्रो हुआ। दूसरा, लोगों को बड़ा डर था, सर सिक्योरिटी का डर है, सर मेरा डेटा चोरी हो जाए, कोई मेरा डेटा कर ले। काम करो ना, आप बायोमेट्रिक्स यूज करो, अपना फिंगर टच, अपना आई रेटिना स्कैन, तो जो सिक्योरिटी वाला आपका कंसर्न है वो भी सही हो जाएगा। अच्छा, तीसरा, सर जब मैं दुकान पे जाता हूं ना तो एक सेल्स पर्सन आता है, वो मुझे समझाता है, पूरा बात बताता है, ई कॉमर्स पे कोई नहीं बताता है। तो एक काम करो ना, आपने कभी भी IRCTC पे जाओगे, किसी वेबसाइट पे आप देखते हो, वहां पे एक ऐसे नाम होते हैं स्वाति, श्वेता, दिशा, जैसे आई थिंक IRCTC का दिशा के नाम से आता है, वो कोई इंसान नहीं होता है, कोई एक्चुअल में सेल्स पर्सन नहीं है, वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैसेंजर बॉट होता है। जैसे आप वेबसाइट पे जाओगे ना, वो आपको बोलेंगे हाउ मे आई हेल्प यू, आप उनको अपना बताइए कि आई एम लुकिंग फॉर दिस प्रोडक्ट, वो आपको उसका डेटा दे देती हैं। तो वो सब बाबू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, एक फुल्ली ऑटोमेटेड चैटबॉट होता है। फायदा ये होता है कि जैसे आप जाओगे आपको तुरंत एक पर्सनलाइज सर्विस मिलता है, आपको लगता है कि चलो कोई है जो आपका बात सुन के आपको आपकी जरूरत की चीज बता रहा है, तो इससे आपका कन्वर्जन सही होता है। तीसरे बाबू, एप्पल वगैरह इतने एडवांस है ना, जस्ट इमेजिन आप अमेजोन पे गए, आपने एप्पल का लैपटॉप खरीदा, सोचिएगा ध्यान से, दो दिन बाद आप फिर गए और आपने सर्च किया मोबाइल, बताओ अगर आपने एप्पल का लैपटॉप खरीदा हुआ है अमेजोन से, कुछ दिन बाद आप मोबाइल सर्च कर रहे हो, वो आपको क्या बताएगा? वो आपको शॉमी, MI, रेडमी ये सजेस्ट करेगा या आईफोन सजेस्ट करेगा? सोच बताइए, ये क्या सजेस्ट करेगा? एप्पल सजेस्ट करेगा, इसे मुझे प्रेडिक्टिव एनालिसिस, प्रेडिक्टिव एनालिसिस। कस्टमर का जो बिहेवियर है उसको प्रेडिक्ट करता है, एनालाइज करता है, और आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हो वो क्या करता है ना, पूरे बड़े मार्केट को अलग अलग कैटेगरी में सेगमेंट कर देता है। सर ये सब तो नया नया इंग्लिश वर्ड है, वैसे सिंपल है, बड़े से मार्केट को अलग अलग टाइप के कस्टमर में, जैसे प्रीमियम कस्टमर एप्पल वाला, मिड वाला, वन प्लस वाला, जैसे शॉमी वगैरह हम लोग भी यूज करते हैं शॉमी वगैरह, तो जिसका जैसा पेइंग कैपेसिटी, जिसका जैसा प्रेफरेंस उसके अकॉर्डिंग, और फिर उनको वैसा काम कीजिए। इससे सोशल नेटवर्क, आजकल फेसबुक पे सामान्य बिकता है, सोच बताइए
फेसबुक पे सामान बिकता है कि नहीं आजकल फेसबुक पे सामान? पक्का बिकता है फेसबुक पे सामान बिकता है, वो अलग किस्सा है। दूसरा, पहले ना मैंने आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया, आप ई कॉमर्स वाले हो, मैंने बोला कैश ऑन डिलीवरी, हो गया, सामान आ गया, मैं सामान ले लिया और डिलीवरी बॉय को बोला बेटा वापस चले जाओ नहीं तो यहीं पे पिटाई करेंगे। आई एम नॉट किडिंग, ऐसा हुआ हुआ है कई एरिया में। अमेजॉन या फ्लिपकार्ट डिलीवरी नहीं देता इस डर के कारण, क्योंकि वहां पर ये सब दिक्कत हो गया था। अब अमेजॉन गया कोर्ट में, कोर्ट में अमेजॉन को कोई सपोर्ट ही नहीं था। बट अब क्या हुआ, अब आईटी लॉ आ गया और आईटी लॉ ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को लीगल ठहरा दिया है। तो अब आप ऑनलाइन अगर ऑर्डर प्लेस करते हो वो बाबू लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, तो सपोर्ट ऑफ आईटी लॉज भी है। एंड फाइनली कन्वर्जेंस ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क एंड इंटरनेट, जो 5G 4G वगैरह ग्रो कर गया है उसके कारण भी तो हो गया है। तो ई कॉमर्स इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रैपिड पेस, पेस मतलब स्पीड। बिजनेस विच हैव द विजन टू एंटीसिपेट, जो एंटीसिपेट पहले से सोच ले रहे हैं एंड कैच द ट्रेंड बिफोर द कॉम्पिटिटर्स वुड डेफिनेटली बी मोर सक्सेसफुल। जो पहले सोच के काम कर रहे हैं वो ज्यादा आगे जाएंगे। ई मार्केटर्स को केवल प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं, यूजर एक्सपीरियंस भी इंप्रूव करना होता है। तभी आप देखना हर ई कॉमर्स का वेबसाइट हर कुछ साल में अपना इंटरफेस बदल देता है और क्लीन और लाइट करता है। तो प्रोलिफरेशन डेस्कटॉप से मोबाइल पे जा रहा है 50, बाबू गूगल मत करना, ये अभी ना 70 पे हो गया होगा, आपको 55 ही लिखना है स्टडी मैट में। लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, आप वीडियो यूज कीजिए, केवल फोटो से काम नहीं चलेगा, इमेज से आप वीडियो से यूज कीजिए, बढ़िया बढ़िया वीडियो बना के डालिए। अमेजॉन बनाता है ताकि वीडियो देखकर वो वीडियो से परचेज करे। सर मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क एंड इंटरनेट, आपका मोबाइल फोन भी 5G हो गया है और इंटरनेट भी 5G हो गया है, दोनों आपस में मिलके कन्वर्जेंस मतलब होता है मिलना। जैसे दो नदी मिलती है ना, दो नदी जैसे गंगा जी जमुना जी और सरस्वती जी, तो ये प्रयागराज पे, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस ऑफ थ्री रिवर्स। सोशल नेटवर्क, सोशल मीडिया बाबू, जब भी हम ऑनलाइन जाते हैं मेजोरिटी टाइम तो सोशल मीडिया पे रहते हैं। तो लेटेस्ट ट्रेंड क्या है कि आप ई कॉमर्स सोशल मीडिया पे कर लो। बायोमेट्रिक, जो भी सिक्योरिटी थ्रेट है उसके लिए आप बायोमेट्रिक कर लीजिए। आर्टिफिशियल मैंने समझा दिया, पर्सनलाइज एंड इंटरेक्टिव बाइंग, आप उनसे बात कर सकते हो जो कि कौन है, फुल्ली ऑटोमेटेड चैटबॉट। चैटबॉट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, इनको मैसेंजर बॉट भी बोलते हैं। इसे क्या होता है, यूजर ज्यादा खर्च करता है और ज्यादा कन्वर्जन रेट होता है। प्रिडिक्टिव, आप कस्टमर के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करते हो, जैसे अगर किसी ने डाउनलोड किया ऐप तुरंत ऑफर दे दो। आपने सुना होगा, आई डोंट नो आपने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, आप कोई भी ऐप डाउनलोड करना, होम डिलीवरी ऐप, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे घर के पास नहीं मतलब घर में ही जो मेड थी वो कह रही थी कि सर टाइम नहीं मिल रहा है कि हम लोग सब्जी कब खरीदें। तो मेरी वाइफ ने बोला कि काम करो ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लो। एंड स्मार्टफोन बाबू सबके पास है, स्मार्टफोन सबके पास है, तो ब्लिंकिट डाउनलोड हो गया। जैसे डाउनलोड हुआ ब्लिंकिट ने उनको 100 या 200 रुपये का कैश वाउचर थमा दिया। ये क्यों किया, ताकि एक बार जब डाउनलोड हुआ ना तुरंत तो यूज कर ले कस्टमर, ताकि उसको फैमिलियरिटी हो जाए, वरना अगर वो यूज नहीं करेगा तो दोबारा अगर तुरंत यूज नहीं किया तो फिर वो ऐप अनइंस्टॉल ही कर देगा। प्लस इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द कस्टमर हैबिट्स, बाइंग हैबिट। बोला ना एप्पल का लैपटॉप एप्पल का आईफोन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। आपने पहली बार अंडा परचेस किया ब्लिंकिट पे एक ट्रे, आप अगली बार अंडा ऑर्डर करोगे वो आपको एक ट्रे ही दिखाएगा। पर्पस क्या है, सेगमेंट कर दीजिए राइट कस्टमर राइट प्रोडक्ट राइट वे में। और फाइनली सर आईटी लॉज जो है हमारे, वो आईटी एक्ट 2000,
वो ई कॉमर्स को गवर्न करता है, तो जो भी अगर आपको कोई लीगल कंफ्लिक्ट, कोई डिस्प्यूट, आप वहां पे जाके अपना रिजॉल्व करा सकते हो। That's it. होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी बजा दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। गॉड ब्लेस, टेक केयर। कोई डाउट है आप डाल दीजिए, मैं देख लेता हूं। सर प्लस पे मुझे पहले दो चैप्टर या इसके लेक्चर नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं आयान कोजी बाबू, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। आप, मैं आपको बता दूं ईमानदारी से, आप मंडे को जो 10:45 का बैच होगा रामान का, आप उसमें आइएगा। अयानु कुजी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ना एग्जैक्टली बताऊंगा कैसे करना है, मैंने एक प्लान बनाया हुआ है इसके लिए। आप मंडे को आइएगा, उसका समय बताऊंगा, ठीक है। चलिए लोकेश थैंक यू। अच्छा पृथ्वीराज, ओके ग्रेट। अयानु कुजी क्या है, मतलब क्यों है? मेरा नाम किशन है, मैं किशन के नाम से हूं, ठीक है। स्नेहा थैंक्स, प्रियांशी मौर्य, निक्की, अनिकेत, लोकेश, अविनाश प्रधान 55 पीसी प्रोलिफरेशन, हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है, चलिए और कोई डाउट है तो बताइए। अच्छा वो एन, अच्छा ओके समझ गया, मैं समझ गया सर। मुझे नहीं पता है, मैं उतना देखता नहीं हूं। थैंक्स प्रियांशी मौर्य, बहुत बढ़िया। ये बात आप अपने दोस्तों को भी बताइएगा। गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय बाय।